अमरोहा जनपद के थाना धनौरा तहसील के दारानगर गांव में देश को मिली आजादी के बाद पहली बार अमरोहा जिलाधिकारी ने जन सहयोग के माध्यम से 1,30,000 की कीमत का 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाकर गांव के 168 परिवारों के लोगों को लाइट की सप्लाई शुरू करा दी है। इस गांव में पहली बार लाइट पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दारानगर गांव में जहां देश की आजादी के बाद से आज तक ग्रामीणों को लाइट का सुख देखने को नहीं मिला था, आज पहली बार अमरोहा जिलाधिकारी ने जन सहयोग की मदद से 1,30,000 रुपए की कीमत का 50 किलो मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ कर 168 परिवारों को लाइट के कनेक्शन दिए हैं। 200 घर हैं, 200 घरों के लिए टेवा कंपनी के सहयोग से एक सर्वे के बाद यहाँ पे सोलर ग्रिड के द्वारा विद्युत की सप्लाई के लिए प्लांट लगाया गया है और ये सक्षम है। अभी 200 घरों के लिए काफ़ी पर्याप्त है, मतलब अभी तो जो इसका यूटिलाइजेशन है उसके हाफ हो रहा है जितना कि इसकी क्षमता है, और अभी अगर लोगों की मांग बढ़ती है तो भी उसको पूरा कर सकने में सक्षम है। एक तरीके से गांव विद्युत के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गया है और 24x7 यहाँ पे विद्युत सिर्फ सोलर पावर से हो सकती है। तो एक तो जो ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं, जो अक्षय स्रोत हैं, उनके माध्यम से लगाया गया है। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा खर्च नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वो उन सारी चीज़ों के अलावा एकदम सेपरेट इस गांव का ग्रिड हो गया, तो इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जिला प्रशासन और टेवा कंपनी के सहयोग से एक मिसाल हुई है जो मुझे लगता है इस मंडल में पहली अपने तरीके की है। लोगों के सहयोग से अगर ये आगे इन लोगों ने मेंटेन किया तो इस गांव के लिए बहुत बड़ा ये कार्य होगा आगे के लिए भी। और इसमें सभी लोगों को बस ये है कि चूँकि गांव की ही देखरेख में है, ग्राम पंचायत की देखरेख में है, तो इसका मेंटेनेंस भी बेहतर हो सकेगा उम्मीद है। लोगों को जो विद्युत है, विद्युत की उपलब्धता है, वो जो नॉर्मल विद्युत की जो बिल है उससे काफ़ी कम है देखने में। हालांकि महंगा लगता है पर ये मेंटेन वगैरह करेंगे तो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को है। तो क्या पहले इस गांव में बिजली नहीं थी? देखिए, बिजली का होना, ग्रिड से कनेक्ट होना, और हम चाहते तो कनेक्ट कर लेते, ये बात सही है कि ये गाँव चूँकि गंगा के इस पार इस छोर पर एक अलग थलग गाँव था और यहाँ पे विद्युत की कनेक्टिविटी अभी नहीं थी, पर अगर हम विद्युत से इसको कनेक्ट कर भी लेते तो दूरस्थ होने के नाते कई सारी इस तरीके की समस्याएं बाद में भी हमें आती। तो ये जो सौर ऊर्जा से जुड़ना इसके लिए एक तरीके का सेपरेट हो गया। हम एक जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, हम प्रयास करते तो संभवतः इसको ग्रिड विद्युत के जो सामान्य ग्रिड है उससे भी जोड़ सकते थे, लेकिन इस तरीके की उपलब्धि से ये गांव बाकी सारे जो मंडल के पूरे गांवों को देख लीजिए या जनपद के गांवों को देख लीजिए उनसे एकदम अलग हो गया, अलग तरीके से, और यहां पे आगे प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो खेती के मामले हों, चाहे लोगों के सामान्य काम के मामले हों, रोजगार के नए अवसर भी जनरेट होंगे। तो इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ इसको इसी तरीके से ना लीजिए कि शुभारंभ के मौके पर कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने फीता काटा और पहली बार गांव में लाइट पहुंचने से ग्रामीण काफी खुश नजर आए। उन्होंने अमरोहा प्रशासन का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया।